और इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज की। अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज और यहां पर आज उनका काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अमित शाह प्रयागराज में है। कुंभ क्षेत्र से सीधी तस्वीरें जो आ रही थी वो हम आपको दिखा रहे थे। थोड़ी देर में वो यहां पर कुंभ में स्नान करेंगे संगम में और उसके बाद उनका साधु संतों के साथ आज मिलने का कार्यक्रम भी है। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का प्रयागराज में अमित शाह का। तस्वीरें लगातार जो वहां से पहुंच रही हैं हम तक, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अमित शाह फिलहाल कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं, प्रयागराज में है और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कुंभ नगरी की। प्रयागराज में आज अमित शाह पहले स्नान करेंगे पूरे विधि विधान के साथ और उसके बाद यहां पर साधु संतों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। उनसे बातचीत करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बातचीत होगी। देखिए तस्वीरें इस वक्त हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अभी कुछ ही पलों पहले पहुंचे हैं अमित शाह प्रयागराज। कई मायनों में महत्वपूर्ण आज का ये दिन उनके लिए और फिलहाल वहां मौजूद साधु संतों के साथ जो उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े हुए हैं उनके साथ वो मिल रहे हैं, उनका उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अमित शाह जो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे पर आज बात करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जो है अब जानकारी मिल रही है वहां से, क्योंकि मंदिर पर देरी से कई साधु संत ऐसे हैं जो नाराज हैं सरकार से। उन्हें भरोसा तो है लेकिन इस बात की नाराजगी है कि आखिर एक तय वक्त, एक तय तारीख क्यों नहीं बताई जा रही सरकार की तरफ से कि मंदिर को लेकर आखिर कब निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। और जो सपना लिए, जो एक इच्छा, एक मंशा लिए साधु संत कुंभ की नगरी में मौजूद है इस वक्त, वो आखिर कब पूरी होगी। तो अमित शाह और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और कई साधु संत भी इस वक्त उनके साथ हैं। लेकिन अभी पहले कुंभ में स्नान करेंगे और उसके बाद वो साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे। कोशिश होगी कि उनकी जो नाराजगी है वो दूर की जा सके, उनसे बातचीत होगी कई मुद्दों पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही कि राम मंदिर को लेकर जो रणनीति की बात साधु संत कर रहे थे कि कुंभ से ये रणनीति तय होगी कि आखिर मंदिर को लेकर रास्ता कैसे निकलेगा और साथ ही साथ 2019 की राह भी तय होगी सरकार की, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये तस्वीरें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसीलिए आज कुंभ नगरी पहुंचे भी हैं और स्नान के साथ साथ कई राजनीतिक महत्व भी इस दौरे का देखने को मिलेगा प्रयागराज की धरती से, खासतौर से कुंभ क्षेत्र से। तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं और कुंभ क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष। सीधे रुक कर लेते हैं निवृत्ति मोहन, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवृत्ति पहुंच चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह? बिल्कुल, अमित शाह पहुंच चुके हैं, उनके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। जैसे ही यहां पर अमित शाह पहुंचे हैं तो यहां मौजूद मंडलाधीशों से, अलग अलग अखाड़ों के जो मंडलाधीशर थे और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनके साथ और अवधेशानंद स्वामी अवधेशानंद जी के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और अब वो चेंजिंग रूम में गए हैं कपड़े चेंज करने के लिए, जिसके बाद वो स्नान की प्रोसीजर होगा, वो स्नान का प्रोसीजर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो पूजा जिस तरीके से की जाएगी उसमें त्रिवेणी आरती शामिल है, गंगा पूजा शामिल है, फिर गंगा अभिषेक शामिल है जिसमें दूध से अभिषेक किया जाना है, इसके अलावा संकल्प आखिर में लिया जाएगा। ये सारी पूजा पद्धति होगी जिसके थ्रू यहाँ पर पूजा की जाएगी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सत्संग में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम रहेगा उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। 12:45 का वैसे उनका यहाँ पहुंच, 11:45 का यहाँ पहुंचने का प्रोग्राम था, थोड़ा सा लेट है। इसके बाद जाएंगे वो
अक्षय वट और हनुमान मंदिर जाएंगी, जो बड़े हनुमान का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ जाने के बाद उनका कुछ अखाड़ों में जाने का प्रोग्राम है और स्वामी अवधेशानंद जी के यहाँ पर आश्रम में जाने का प्रोग्राम है, जहाँ पर वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, लंच करेंगे और उसके बाद कुछ अखाड़ों में जाएंगे और फिर इस तरीके से शाम तक का प्रोग्राम उनका है, जिसके बाद वापस लौटने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, तो कई कार्यक्रम हैं आज, अमित शाह के तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। और निवृत्ति, ये दौरा या फिर कहें आज जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो स्नान की तैयारी कर रहे हैं, कुंभ में पहुंचे हैं और इसके बाद ही वो आगे जो दिन भर का उनका कार्यक्रम है वो जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले तस्वीरें सीधी हैं इस वक्त सीधा कुंभ क्षेत्र से। निवृत्ति, स्नान के बाद आपने बताया कि अखाड़ों में जाएंगे, साधु संतों के साथ अवधेशानंद जी महाराज के साथ भी मुलाकात करेंगे और वो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगी, क्योंकि कुंभ जब से इस महामेले की शुरुआत हुई है तब से ही राम मंदिर की चर्चा बहुत इस क्षेत्र में हुई है, यानी कि राम मंदिर को लेकर एक राह यहां से निकलेगी ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सरकार चूंकि अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही थी इसको लेकर नाराजगी भी थी, तो आज जो बातचीत होगी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी। चलिए निवृत्ति से हम जुड़ेंगे फिर और जानेंगे कि फिलहाल क्या कुछ और वहां पर चल रहा है, लेकिन तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के संगम तट की है, कुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीरें, और खास इसलिए हैं क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं संगम में स्नान करने के लिए और यहां पर चारों तरफ वो साधु संतों से घिरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और स्नान से ही शुरुआत आज के दिन की कर रहे हैं और इसके बाद कुछ अखाड़ों में जाएंगे, साधु संतों के साथ बात करेंगे, अवधेशानंद जी के साथ आज उनकी एक मुलाकात होनी है और नजरें रहेंगी इस बात पर कि आखिर उस मुलाकात में क्या होता है, बीजेपी अध्यक्ष उन्हें क्या कहते हैं और साथ ही साधु संतों की तरफ से अब क्या कहा जाता है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को, यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी से क्या मांग होती है, चूंकि वक्त वक्त पर राम मंदिर को लेकर कभी अल्टीमेटम दिया गया तो कभी ये कहा गया कि सरकार के साथ तो हम हैं लेकिन सरकार को ये साफ करना होगा कि आखिर कब तक वो ये बात तय कर पाएगी कि कौन सी वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। और तस्वीरें देखिए, अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई है, संगम के तट पर वो मौजूद हैं इस वक्त, संगम में, त्रिवेणी में और इस वक्त कुंभ में स्नान कर रहे हैं। तमाम साधु संतों के साथ यहाँ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप देख रहे हैं संगम में डुबकी लगाते हुए स्नान के साथ अपने इस दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने, जैसा कि हमारी संवाददाता ने बताया कि वो जो साधु संत वहां पर मौजूद थे उन्होंने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, सबसे मिले, औपचारिक तौर पर उन्होंने बातचीत की और फिर गए चेंज करने और अब संगम के तट पर पहुंचने के बाद साधु संतों के साथ, उनके आसपास आप देख भी रहोगे जमावड़ा लगा हुआ है साधु संतों का, बीजेपी अध्यक्ष बीच में और आसपास कई साधु संत हैं, योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और संगम के तट पर इस पवित्र स्नान की फिलहाल ये तस्वीर। हर हर महादेव का उद्घोष यहाँ पर चारों तरफ आपको सुनाई भी दे रहा होगा, संगम में डुबकी लगाने के साथ ही नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और अमित शाह इन सभी के बीच मौजूद हैं। अभी तो स्नान है लेकिन थोड़ी ही देर बाद अब मुलाकात भी होगी, अभी तो सब एक ही आवाज में त्रिवेणी के तट पर गंगा स्नान, संगम में स्नान कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जो पहुंचे हैं आज प्रयागराज कुंभ क्षेत्र, सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है और प्रयागराज में चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कुंभ का मौका है, त्रिवेणी के तट पर इस वक्त उत्सव हो रहा है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष
अमित शाह भी पहुंचे हैं। त्रिवेणी के तट पर, संगम के तट पर, जहां आस्था की डुबकी के साथ साथ राजनीतिक डुबकी भी देखने को मिलेगी, जब साधु संतों के साथ बातचीत करेंगे अमित शाह। क्या बातचीत होगी, कौन से सवाल होंगे, चूंकि लगातार एक ही मांग इस समाज की रही है कि हमें वो वादा पूरा चाहिए जो सरकार ने किया हमसे, लेकिन अब तक उस पर कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया जा सका है। तो इन तमाम सवालों का जवाब भी आज अमित शाह देंगे, लेकिन शुरुआत स्नान के साथ की है अमित शाह ने, और स्नान के बाद फिर आगे का कार्यक्रम है। कुछ अखाड़ों में जाएंगे, अवधेशानंद जी महाराज के साथ भी उनकी आज बातचीत होनी है, उनके साथ मुलाकात करेंगे, और भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। कुंभ की सियासी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष संगम के तट पर हैं, और आज काफी कुछ तय होगा। ये महत्वपूर्ण साधु संत समाज के लिए भी है और महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि ये वही तबका है जो हमेशा बीजेपी के साथ होने का दावा करता है और हमेशा रहा भी है। और 2014 में यही वो समाज है जिसने कहा था कि मंदिर की राह अगर आसान होगी तो बीजेपी ही करेगी। लेकिन अब एक सवाल भी इन तमाम लोगों के मन में है कि आखिर कब। फिर से लिए चलते हैं आपको, निवृत्ति मोहन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निवृत्ति, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि फिलहाल इस कुंभ में ये सियासी तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है। आपको सवाल दोहराना पड़ेगा, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है। क्या सवाल था आपका जी निवृत्ति? आप, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप उन तस्वीरों को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रही होंगी, आज का जो कुंभ का दिन है वो सियासी कहीं ज्यादा है, क्योंकि अमित शाह पहुंचे हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल वहां से? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें यहाँ पर अमित शाह अभी उन्होंने कुंभ के इस पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। स्वामी अवधेशानंद भी मौजूद रहे, कुछ अखाड़ों के जो मंडलाधीश्वर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिनके साथ यहाँ पर अमित शाह ने डुबकी लगाई है संगम में। और पूजा का एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है जिसमें आरती हुई है त्रिवेणी माँ की, और साथ में गंगा पूजा है, वो भी अभिषेक हुआ है, दूध से अभिषेक किया गया और उसके बाद संकल्प लिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर फॉलो हुई है, और अलग अलग मंडलों के मंडलाधीश्वर जो हैं वो यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया था और बाकायदा उनके बैठने का इंतजाम किया गया था। तो ये सब जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो हो रहा है। बार बार बातें ये उठ रही हैं, जो राजनीति की बातें बार बार उठ रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से उठने वाली बातें नहीं जी। पिछले दिनों में भी ठीक है निवृत्ति, आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे इन तस्वीरों को लेकर ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।